हेलो फ्रेंड्स, तो आज लाए हैं हम सूजी बेसन और ब्रेड का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। चलिए इसके लिए कट कर लेती हूँ मैं दो प्याज। मैंने दो प्याज ले लिए हैं, उसको छोटे छोटे चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो चॉपर से कर लें या फिर आप हाथ चाकू से भी कट कर सकते हैं। तो आपके पास जितनी भी सब्जियाँ पड़ी हों, गाजर हो, मूली हो और शिमला मिर्च हो, चाहे गोभी हो, पत्ता गोभी, कुछ भी हो, आप सभी इसमें कट करके छोटा छोटा डाल सकते हो और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बन जाएगी। और मैंने टमाटर ले लिया है, मेरे पास जितना था उतना मैंने इसमें डाल लिया है। आप हरा धनिया वगैरह सब कुछ डाल के तब बनाइए। तो छोटी छोटी भूख में बहुत काम आती है रेसिपी, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है एकदम से। सब्जी हमारी कट गई है, यहाँ पे ले लिया है मैंने एक कटोरी बेसन, इसमें ही डाली है हाफ कटोरी सूजी, स्वाद अनुसार नमक, और ये डाली है मैंने एक पिंच हींग, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे हम इसमें, थोड़ी सी हाथ से ही क्रश करके डालेंगे। ये मैंने आमचूर पाउडर डाला है थोड़ा सा, हाफ चम्मच डाली है हल्दी, हाफ चम्मच डाला है धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और इसमें डाल देंगे जो भी आप सब्जियां कट करें वो सारी इसमें मिक्स कर दें। अब थोड़ा थोड़ा पानी लेके चम्मच की सहायता से आप इसको मिला लें अच्छे से। इसका एक बैटर तैयार करना है आपको, तो एकदम से ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आया करें तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, मेरे सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं तो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो बनाने के लिए। देखिए बैटर हमारा थोड़ा सा बिगाड़ा है, थोड़ा सा पानी इसमें और डालूंगी मैं। अभी हमारा पानी सही हो चुका है, इतना ही रहने देना है हमें और 15 मिनट रेस्ट के लिए इसे छोड़ देंगे। और लेंगे एक नॉन स्टिक पैन, आप ऐसा पैन भी ले सकते हो, तवा ले सकते हो आप। इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच तेल डाल के और इसमें तवे पे पूरे में फैला लेंगे अच्छे से। उसके बाद को मैं अपने ब्रेड को इसमें डिप करेंगे बैटर में। आप चाहें तो बैटर थोड़ा पतला और भी कर सकते हैं, मुझे ऐसे ही सही लगता है क्योंकि सब्जियाँ होंगी फिर वो इस पर रुकेंगी नहीं। देखिए ब्रेड के ऊपर अच्छे से मैंने इसको कोट कर लिया है मसाले को, और इस पर डाल देंगे अच्छे से। तो बहुत ही टेस्टी ब्रेड की रेसिपी बनके तैयार होती है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही जल्दी बन जाती है। आपको भूख लगे कुछ भी समझ नहीं आए तो आप इसको बना सकते हैं, और आपको चेक कर लेना है कि एक तरफ से ये अच्छे से सिक गया हो तो दूसरी तरफ पलट देना है इसको अच्छे से, तो बहुत ही इजीली पलट जाता है ये वैसे। तो देखिए एक तरफ से सिक चुका है, तो इसी तरह से दूसरी तरफ से भी हमें सेक लेना है। थोड़ा सा तेल और डालूंगी मैं ताकि नीचे भी अच्छे से लग जाए। आप चाहें तो डीप फ्राई भी इसको कर सकते हैं। तो देखिए एक नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है, दूसरा भी मैं इसी तरह से सेक लूँगी, तो उसी तरह से दूसरा हमने देखिए डाल दिया है, इसको भी अच्छे से पलट के सेक लेना है। आप चाय के साथ, चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो दबा दबा के अच्छे से और चीज़ें प्रेस कर करके आपको सेक लेना है इसको। देखिए ये भी तैयार हो चुका है, तो हमारा नाश्ता तैयार है बनके। तो चलिए सर्व करके दिखाती हूँ प्लेट में। तो देखिए चटनी वटनी की किसी के भी साथ आप खा सकते हैं, चाय के साथ बहुत ही टेस्टी है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो।